A very warm afternoon to my dear students. I welcome to you all to my class, and I am Shefa Ira Khan. I am going to teach you today the poem How the Leaves Came Down. This poem is in the Oxford publication book English Literature for class 8. So this poem How the Leaves Came Down is written by Suzanne Coolidge. This is a very beautiful bedtime poem about the changing of the season. ये बहुत ही खूबसूरत बेड टाइम, जिस तरह का बेड टाइम स्टोरी होता है उसी तरह से ये बेड टाइम पोएम है, जिसमें कि हाईलाइट किया गया है चेंज ऑफ सीजन के बारे में. इन दिस द स्पीकर डिस्क्राइब्स फॉलिंग लीव्स एज इफ दे आर चिल्ड्रन ऑफ अ ट्री, है ना. इस पोएम में जो पोएटिस है उसने डिस्क्राइब किया है गिरते हुए पत्तों को, ठीक है, जैसे कि मानो कि वे पत्ते जो है वो पेड़ के बच्चे हैं और पेड़ जो है वो फादरली फिगर को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है. सो दिस पोएम, यू कैन से दैट दिस पोएम टेल्स अ काइंड ऑफ फैंटेसी. ये पोएम जो है एक फैंटेसी स्टोरी को डिपिक्ट कर रहा है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स जैसे कि यहाँ पे लीव्स हो गया, ऑब्जेक्ट्स जैसे कि यहाँ पे पेड़ हो गया, ट्री हो गया, तो ऑब्जेक्ट्स जो है ह्यूमन थॉट्स और एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट इज व्हाई आई हैव रेफर इट एज फैंटेसी, ठीक है. सो आई विल रीड द पोएम फॉर यू, एक्सप्लेन इट पैराग्राफ वाइज, एंड आई होप यू विल एंजॉय इट. ओके, सो हियर वी गो टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम. आई विल टेल यू हाउ द लीव्स केम डाउन. The great tree to his children said, "You are getting sleepy, yellow and brown. Yes, very sleepy, little red. It is quite time to go to bed." So here you see, the father means the tree is representing the fatherly figure. और वो बोल रहे हैं, आई विल टेल यू हाउ द लीव्स केम डाउन. यहाँ पे देखो कि जिस तरह से छोटे बच्चे जब सोने जाते तो मम्मी पापा या दादी उन्हें कहानी सुनाती है, राइट. उसी तरह से ये ट्री जो फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अपने बच्चों मतलब लीव से कह रहे हैं कि आओ बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूँ कि पेड़ से पत्ते जो है वो नीचे कैसे आए. द ग्रेट ट्री टू हिज चिल्ड्रन सेड, जो ग्रेट ट्री है जिस पे पत्ते लगे हुए हैं, वो ट्री जो है वो अपने बच्चों को ये बात कहता है, बुलाता है कि आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह से लीव्स जो है पत्ते जो है वो पेड़ से नीचे आए. यू आर गेटिंग स्लीपी येलो एंड ब्राउन. यस वेरी स्लीपी लिटिल रेड. तो यहाँ पे उसके फादर बोलते कि देखो तुम लोगों को नींद आ रही है, स्लीपी, तुम लोग येलो और ब्राउन टर्न हो रहे हो. मीन्स यहाँ पे ये जो कलर चेंजेस के बारे में बताया है, तो ये कलर चेंज येलो एंड ब्राउन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑटम इज टर्निंग टू विंटर, ठीक है. यस वेरी स्लीपी लिटिल रेड, जो लिटिल रेड कलर का लीव्स है वो बोल रहा है कि हाँ हाँ थोड़ा सा स्लीपी. इट इज़ क्वाइट टाइम टू गो टू बेड. तो फिर फादर जो है उनके ट्री जो है वो बच्चों से कहते हैं कि अब काफ़ी समय हो गया है, आप लोगों को सोने के लिए जाना होगा. तो हियर यू सी दैट हाउ द फादर इज कन्विंसिंग द टाइनी टाइनी लीव्स जो उनके बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अब तुम्हारा समय आ गया है कि अब तुम लोगों को चेंज होना है, मतलब अब पत्तों का टाइम आ गया है कि वो ऑटम से विंटर में चेंज, जिस तरह से सीजन चेंज होगा तो पत्ते भी क्या होंगे, विदर होंगे, फॉल करेंगे, ठीक है. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, सो हियर इज द सेकेंड पैराग्राफ. अह बेग्ड ईच सिली पाउटिंग लीव, लेट अस अ लिटिल लॉन्गर स्टे. डियर फादर ट्री, बिहोल्ड अ ग्रीफ, दिस सच अ वेरी प्लीजेंट डे. We do not want to go away. So in the next paragraph, first paragraph में हम लोगों ने देखा कि father ने अपने बच्चों को बुला रहे हैं, ठीक है. तो on hearing the call of father to go to the sleep, the little children's representing the leaves, ठीक है, वो बोल रहे हैं ah, begged each silly pouting leaf, ठीक है. वो लोग अफसोस जता रहे कि oh father,
ठीक है, अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेग कर रहे हैं, हर वो छोटे छोटे सिली सिली स्टूपिड टाइप के पत्ते, ठीक है, मुंह बनाते हुए पाउटिंग लीव, जैसे सेल्फी लेते हो तो कैसे मुंह बनाते हो, ठीक है, उसी तरह से मुंह बनाते हुए, लेट अस अ लिटिल लॉन्गर स्टे. वो छोटे छोटे लीव्स जो है वो अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेग कर रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा और देर हम लोगों को स्टे करने के लिए इजाज़त दे, थोड़ा और देर हम लोगों को रुकने दे. डियर फादर ट्री, बिहोल्ड अ ग्रीव. डियर फादर ट्री, है ना, ट्री रिप्रेजेंटिंग द फादर, प्लीज़ हमारे सैडनेस को समझिए और हम लोगों को थोड़ा देर और रुकने के लिए दिया जाए. इट्स सच अ वेरी प्लीजेंट डे. वो लोग बच्चे जो है, लीव्स जो है, वो अपने फादर से कह रहे हैं कि देखिए कितना अच्छा, कितना सुनहरा, कितना प्लीजेंट डे है, टाइम है. वी डू नॉट वॉन्ट टू गो अवे. हम लोग अभी सोने के लिए नहीं जाना चाहते, हम लोग अभी अपने स्लीपिंग मोड में नहीं जाना चाहते. प्लीज़ हम लोगों को, डियर फादर प्लीज़ हम लोगों को थोड़ी और देर इस प्लीजेंट टाइम और इस प्लीजेंट डे को इन्जॉय करने के लिए दे. तो ऐसा रिक्वेस्ट और बेग जो सिली छोटे छोटे लीव्स जो है वो अपने फादर, डियर फादर ट्री से वो लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ओके.